शुरुआत की नेचुरोपैथी में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पोहा गर्मियों का सबसे बेहतरीन और हल्का नाश्ता कैसे बनता है। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप बाजार से अच्छा पोहा खरीद लें। चावलों का बनता है, चावलों को पीस कर उसको गीला करके जब पीस देते हैं उसका पोहा बनता है। आप बना बना लाए तो बेहतर है, पोहा लेके आइएगा अच्छे पैकेट में, अच्छी कंपनी का भी मिलता है, लोकल भी मिलता है। आप आधा किलो पोहा ले आइएगा और उसके साथ आप एक प्याज, बड़ा प्याज, और टमाटर ले लीजिएगा दो आलू लीजिएगा उबाल कर, हरी मिर्च ले लीजिएगा दो तीन, और जीरा, काला नमक और हल्की सी हल्दी और मिर्च अगर आपको डालनी है तो ठीक, अदरवाइज आपकी मर्जी है। देन उसके साथ आधा कटा हुआ नींबू और उस पे थोड़ी सी बारीक सी नमकीन सेव आती है वो। ये सारी चीजें आपने लाकर इकट्ठी कर ली। अब आपको इसको करना क्या है, आप एक बड़ा सा पतीला लें और उस पतीले के अंदर उस पोहे को जो आप लेकर आए हैं उसको पतीले में डाल दें और उसमें पानी डालकर उसको भिगो दें। थोड़ा सा भिगोए, मुश्किल से 5 मिनट भिगोए आप, और उसके बाद उस पानी में से उस पोहे को निकालकर एक प्लेट में डाल लें और उस पानी को फेंक दीजिए। देन अब आपको क्या करना है, जो आप प्याज लाए हैं प्याज को छोटा छोटा चॉप कर लीजिएगा। जी हाँ, आपने उसके टुकड़े करके उसको एक प्लेट के अंदर अच्छे तरीके से रख दिया। टमाटर के भी आपने वैसे ही टुकड़े किए जैसे आपने प्याज के किए, उसको भी काट कर साफ सुथरे तरीके से रख लिया। हरी मिर्चों को भी आपने काटा और काटने के बाद रख लिया। ये सारी चीजें धुलनी चाहिए पहले, उसके बाद करें आप, धुलना बहुत जरूरी है। ये आपने काट लिया, रख दिया। अब आपके घर में चूल्हा है, कढ़ाई है, सब चीजें हैं, तो आप चूल्हे पे चाहें या आप गैस पे चाहें या आप भट्टी पे चाहें, जो आपकी सुविधा है उस पर एक बड़ी सी कढ़ाई रखें जिसमें तकरीबन आधा किलो पोहा फूलता है तो आ जाना चाहिए। अब आप उसके अंदर 100 ग्राम गाय का देसी घी, मैं और किसी भी तेल में चीजों को बनाने के लिए नहीं कहता, क्योंकि घी इसलिए चाहिए कि बॉडी के लिए, हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है आपके शरीर के अंदर जाना। लोग कहते नहीं घी मत खाइए, ये हो जाएगा, कुछ नहीं, गाय का घी अति उत्तम है स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए। आप उस घी के अंदर उसको गर्म होने दीजिएगा। अब उसमें आप जीरा डाल दीजिएगा। जीरा डालने के बाद आप कटे हुए प्याज डालिए उसके अंदर, और प्याज डालने के बाद उसको अच्छे से भूनिएगा जब थोड़ी सी लाली आने लग जाए, थोड़ी सी ब्राउनिश, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, हल्का सा। देन उसके बाद टमाटर डाल दीजिएगा, हरी मिर्च डाल दीजिएगा और इसको अच्छे से भूनिएगा। जब ये अच्छे से भुन जाए देन उसके बाद आप जो आपने आलू जो है, दो आलू, उसको मैश कीजिएगा और उसके ऊपर डालकर उसको हिलाइएगा। उस पर हल्दी डाल दीजिएगा, काला नमक स्वादानुसार जो आपको अच्छा लगता है वो डालिएगा, अच्छे से हिलाइएगा, और जो पोहा आपने रखा है उस पोहे को उस पर डाल के बड़ी सी करछी से अच्छे से आप इसको मिलाइएगा। अब ये जब मिल जाएगा, जब इसमें हल्दी डल चुकी है, ये पूरे तरीके से मिल गया है, मिलने के बाद अब इसको आपको करना क्या है, जब ये लगे कि हाँ प्रॉपरली तरीके से हो गया, अच्छे से घुमाना है 2-4-5 मिनट तक। अच्छे से घूमने से क्या, वो सिकेगा, वो पोहा उसके साथ हल्का सा सिकेगा। देन उस कढ़ाई को उतार दीजिएगा और गैस को बुझा दीजिएगा। अब उस बने हुए पोहे के ऊपर बारीक बारीक धनिया जो काटा है आपने उसको उस पर छिड़क दीजिएगा और एक प्लेट लीजिएगा। एक प्लेट में करछी से आप पोहे को डालिएगा, दो करछी डालिए, उसके ऊपर हल्का सा आपने धनिया, जो हरा धनिया है वो डाल दीजिएगा, उसके बाद वो नमकीन है वो डाल दीजिएगा, और साथ में एक कटा हुआ नींबू लेकर उसमें निचोड़ दीजिएगा। और ये निचोड़ने के बाद ये पोहे की प्लेट तैयार। आप इसको खाइए, अपने दोस्तों को बना के खिलाइए। गर्मी में सबसे अच्छा, हल्का और उत्तम नाश्ता है। गर्मी में इस नाश्ते का उपयोग करने से कोई नुकसान नहीं है, फायदा बहुत है, सारी चीजें पौष्टिक वाली हैं। हाँ, अगर किसी को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, चावल की प्रॉब्लम होती है उसको खाने से, तो वो बेशक इसको अवॉइड करे या थोड़ा सा खा सकता है। तो हमने आज आपको बताया कि पोहा कैसे बनता है और उसको बनाने की विधि क्या है। इसका उपयोग कीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और अपने अपने धर्म का पालन करते रहिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें लाइक्स कीजिएगा, आपके शेयर और टिप्पणियों का हमें इंतजार रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे सभी सब्सक्राइबर का अभिनंदन है, आप लोगों का स्वागत है।
हमारे इस चैनल पे, आप इसका आनंद लीजिए। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।